بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للتقوى واليقين والصلاه والسلام على رسول المصدق المصطفى المهدي محمد حبيب الله العظيم والخاصم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى المتقين المتقين المعصومين. ये दस जो है उसी की सामी बाबुल खिलाफा खिलाफ पैरंदारा इम्तहान की नस्बत जो है ये हिस्सा बन रहा है चुप गया तो हमारी रफ से इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नूनन तबील इरादा तहमीना निम्मत ही तो पूरे सीना. ये पहला शेर है. थोड़ी सी इबारत को तोड़ रहा हूँ. असल इबारत यह है ए हिदिफ नूनन तलील इरादा ए हिदिफ नूनन तू उस नून को अस्कर. यहाँ पर जो है तो मुसन्निफ ने इजाफत के अहकाम को शुरू कर दिया कि जब भी तू मुदाफ को नस्बत देगा मुदाफिल की तरफ तो पहला उसका हुक्म यह है कि वो नून जो हर्फ इराब के बाद वाक़ होती है. हर्फ इराब से क्या मुराद है? हर्फ इराब से मुराद यहाँ पर अलफ तस्निया है और वाव जम है, यानी वो नून तस्निया की जो अलफ तस्निया के बाद वाक़ होती है और वो नून जमा की जो वाव जमा के बाद वाक़ होती है. जब तू तस्निया और जमा शुदा करेगा तो इस नून को तू हंसता एहदिफ नूनन तलील इराबा और तनवीनन तस्निया जमा के अलावा, क्योंकि गैर है तस्निया जमा के अलावा तस्निया जमा में तनवीन नहीं आती है. नून तस्निया है और अलफ तस्निया है और इस तरह वावे जमा है नून जमा है लेकिन तनवीन तस्निया जमा के अलावा मुसैदुल खायमुन है या गुलाम सैदुल है. यहाँ पर गुलाम उन जईदन में जो तनवीन है गुलाम पर इजाफत के वक्त इस तनवीन को आता है क्योंकि मुदाफ पर तनवीन नहीं आ सकती है. दो मोहरत हैं जहाँ पर तनवीन नहीं आती है. यहाँ पर अलफलाम आ जाए कलमा पर तो वहाँ पर भी तनवीन नहीं आती. जिस तरह अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलहम्दुन नहीं कह सकते आप, अलहम्दो कहेंगे ना अलहम्दुन. जहाँ पर भी अलहसन वल हुसैन जो भी अलफलाम हो चाहे वल्लाम की तारीफ हो चाहे तहसीन हो जो भी हो अलफलाम की किस्में हैं इंशाल्लाह अपनी जगह पर आएंगी. जो भी अलफलाम कलमा पर दाखिल हो जाए उस कलमा पर तनवीन नहीं आ सकती और मुदाफ पर तनवीन नहीं आ सकती. गुलाम उदयदिन गुलाम उदयदिन नहीं कह सकते आप, गुलाम उदयदिन रसूलुल्लाह रसूल अल्लाह नहीं कह सकते आप, वलीउल्लाह वलीउल्लाह नहीं कह सकते आप, हुज्जतुल्लाह बस मुदाफ पर तनवीन नहीं आ सकती है. यहाँ पर कहना ही चाहते हैं कि अगर कलमा तस्निया और जमा को तो मुदाफ करेगा तो तस्निया और जमा में जो नून है हर्फ इराब के बाद अलफ तस्निया के बाद या जमा की जो वाव है उसके बाद जो नून है इजाफत के वक्त उस नून को तू हंस दे. और अगर कलमा तस्निया और जमा नहीं है और उस पर तनवीन है तो इजाफत के वक्त उस तनवीन को तू हंस कर दे. बस पहले शेर में मुसन्निफ ये फरमाना चाहते एहदिफ नूनन तू उस नून को अस्कर तलील इराबा जो हर्फ इराब के बाद है. हर्फ इराब के बाद यानी अलफ तस्निया के बाद वावे जमा के बाद जो नून आ रही है इजाफत के बाद उस नून को अस्कर एहदिफ नूनन एहदिफ तनवीनन इस तनवीनन का अर्थ है इस नूनन पर. इसी तरह तू तनवीन को भी अस्कर इजाफत के बाद. अब यहां पर तशरीह में आकर मुसन्निफ इस अस की वजह को बयान करना चाहता है कि क्यों इस तनवीन को और इस नून को जो अलफ तस्निया और वाव जमा के बाद वाक़ हो रही है हर्फ इराब के बाद वाक़ हो रही है इसको क्यों हस किया जाएगा. हस करने की वजह क्या है? फरमाते हैं कि हकीकत में जो है इजाफत तू दिनों बिल इत्तिसाल इजाफत क्या है वो एजन देती है इत्तिसाल का फायदा देती है इत्तिसाल का. यानी इजाफत में आप क्या करते हैं इजाफत में हकीकत में इर्तिबात है एक कलमे का दूसरे कलमे के साथ रब्त. गुलाम उदयदिन जैद का गुलाम
न किसी और का गुलाम। गुलाम रजुल, मर्द का गुलाम ना औरत का गुलाम। लिहाजा यहाँ पर इजाफत हकीकत में मुतसिल करती है मुदाफ तरफ, नस्बत देते हैं हम, और नस्बत का माना इतिसाल है। अगरचे ये नस्बत जो है वो नस्बत तामा नहीं है, तामा का नस्बत नाफिसा है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहली किताबों में कि नस्बत जो है ना नस्बतों की नस्बत तामा है, नस्बत नाफिसा है। नस्बत तामा हमने किसे कहा था? जैसे सुकून ताले जिस पर सुकून सही है, नस्बत तामा खबरिया जिस पर सबूत सही है। अब यह किताब अव्वल सिद्दीक अव्वल की बात थी कि मुतकलम का सबूत, सामे का सबूत, उसमें नहीं पढ़ना चाहता। जिस पर सबूत सही हो उसको नस्बत तामा खबरिया कहते हैं, और जिस पर सबूत सही ना हो उसको नस्बत नाफसा कहते हैं। उसकी एक किस्म ये मुदाफ और मुदाफिला है कि मुदाफ और मुदाफिला में नस्बत है लेकिन नस्बत नाफसा है, नस्बत तामा नहीं है। ला यसी और सबूत आने इस पर सबूत सही नहीं है, क्योंकि आगे वाले को फायदा तामा हासिल नहीं होता। बस इदा पर तू दिनों इतिसाल देती है इतिसाल का, लेकिन ये तनवीन और नून तस्मी और नून जमा यू दिनानफिसाल ये इधन देती है इंतसाल का। ये बताती हैं कि ये कलमा मुनफसिल और दूसरे कलमा से जुदा है, इसका दूसरे कलमा के साथ रब्त नहीं है। दई दोन मुस्तकिल कलमा है, किसी के साथ इसका कोई रब्त नहीं है। हाँ, जब हम दैजन कायम कहते हैं तो ये जो इतिसाल आपस में पैदा होता है, ये जो नस्बत पैदा होती है, ये किसी और वजह से है। वो जुमला इस्मिया की हायत है, हायत तरकीबिया जो इतिसाल का फायदा देती है। जैसे यहाँ पर दई दोन, ये दई दोन में तनवीन है, ये इतिसाल का फायदा देती है। इसी तरह दईदान है मुस्लिमूना मुस्लिमीना, इसमें जो नून है तस्मी और जमा की, यहाँ पर यह भी फायदा देती है इंतिसाल का। अब अगर हम इजाफत के बाद गुलाम उन दईदों गुलाम पर तनवीन हासिल नहीं करते हैं, और उधर से गुलाम मैं दई दिन, उसमें गुला मैंने दई दिन था या गुला मीना जई दिन, तो यहां पर जो है ये कलमा ये बताता है कि ये आपस में जो है इनका इतिसाल है। अब अगर हम नून तस्मिया को और तनवीन को हासिल करें तो हमने कहा कि तस्मिया की नून और जमा की नून और ये तनवीन फायदा देती है इतिसाल का, और उधर से इजाफत फायदा देती है इतिसाल का। इसका मतलब ये है कि ये इतिसाल और इंतिसाल दो जो मुतनाफी चीज़ें हैं जो काबिल जम नहीं है वो जमा हो जाएगी, और अतनाफियान लाजमयान दो जो मुतनाफी चीज़ें हैं वो जमा नहीं हो सकती आपस में। लिहाजा जब हमने एक कलमे को दूसरे को मुदाफ करना है तो मुदाफ इजाफत इंतसाल का फायदा देती है, जो चीज़ तेरे इंतसाल का फायदा देती है उसको हासिल करना पड़ेगा। तनवीन इंतसाल का फायदा देती है, नून तस्मिया जमा इंतसाल का फायदा देती है। ला महाला यहाँ पर उन दोनों को हासिल करना पड़ेगा इजाफत की वजह से। बस ये पहला हुक्म था पहले शेर में कि तू जब ये कलमे को मुदाफ करेगा तो अगर वो कलमा तस्निया जमा है तो इजाफत के वक्त तस्निया जमा की नून जो अर्थ इजाफ के बाद वाक्य हो रही है, अलग तस्निया के बाद वाक्य हो रही है, वावे जमा के बाद वाक्य हो रही है, उसको तू हस करेगा। और इसी तरह तनवीन गुलाम उन में जो तनवीन है गुलाम पर इजाफत के वक्त जब हम कलमे गुलाम को पहले कलमा को मुदाफ करेंगे दूसरे कलमे की तरफ तो इसको भी हस करना पड़ेगा। वसानिया अगला शेर ओ जरूर, और मुसन्ने फरमा रहे हैं दूसरे को जर दे, दूसरा कौन है? यकीन पहला अगर मुदाफ है दूसरा मुदाफिला है, मुदाफिला को जर दे। यहाँ पर इख्तिलाफ है कि इस मुदाफिला का जर किसकी वजह से है। मुसन्ने के नज़दीक एक हर्फ जर मुकद्दर है, उसकी वजह से इस मुदाफिला को जाती है। बस गुलाम ज़ैदिन असल में उनके नज़दीक है गुलाम ले ज़ैदिन, ये लाम लामे जा रहा है यहाँ पर, इसने इस मुदाफिले को जार किया है। इसी तरह मकरुल्लैले मकरुन फिल लैले, ये सलातुल्लैले सलातुन फिल लैले, यहाँ पर कलमे फी है, इस फी ने इस कलमे को जार किया है। लाम आला कोई ना कोई हर्फ जार मुकद्दर होगा, चाहे वो लाम हो चाहे वो फी हो चाहे वो मिन हो, उस हर्फ जार के साथ मुदाफिले को जार किया जाएगा। ये मुसन्नफ का नजरिया था। और सिब्बे क्या कहता है? सिब्बे कहता है ना इसका आमिल वो हर्फ जार मुकद्दर नहीं है,
इस मुदाफिला को जो जर दिया गया है जिसकल इसको मजरूर जो किया गया है वो हरफ जारे मुकद्दर की वजह से मजरूर नहीं किया गया बल्कि खुद मुदाफ आमिल है और वो मुदाफ इस मुदाफिला को चल है। अख्फश के नजदीक उसने कहा है हकीकत में ये खुद इजाफत यही एक कलमे को दूसरे कलमे की तरफ नस्बत देना ये इजाफा करना ये इजाफा सबब बनता है ये इजाफा आमिल है उस मुदाफिले को जा देता है ना अरबे जल ना खुद मुदा बल्कि खुद इजाफत जो अमरे मानवी है अमरे बनती नहीं है ये अमरे मानवी इसको आमिल दो किस्में थी आपने पढ़ा पहले अवामिल में गुजर चुका है नामिर में गुजर चुका है आमिल एक लफ्जी होता है आमिल आमिल मानवी होता है आमिल लफ्जी वो हर भी हो सकता है इसम भी हो सकता है फेल भी हो सकता है काम अगई जो जैद कामिल कौन है काम है इन नमा यूरीदुल्लाह हो अल्लाह हो इसको रफा क्यों पड़ा है अराद यूरी तो फेल है इस फेल ने इसको रफा दिया है इन नमा यूरीदुल्लाह हो अल्लाह उसका फाइल है और फाइल मरफू होता है इसका आमिल यूरीदो है यूरी तो फेल है और फेल आमिल लफ्जी है इस तरह कान अल्लाह अलीमन हकीमा कान अल्लाह हो अल्लाह जो है ये मरफू है कान की वजह से कान का इसम है और कान का इसम मरफू होता है अलीमन हकीम खबर है इन कामिल आमिल लफ्जी है काना फालन आपसा में से है और ये आमिल आमिल लफ्जी है लेकिन कभी आमिल लफ्जी नहीं होता है आमिल मानवी है और आप पढ़ चुके हैं पहले आमिल मानवी की दो किस्में थी एक मुब्तदा उसका आमिल आमिल मानवी इब्तदा है यही इसका इब्तदा में आ जाना इसको मरफू करता है और एक फेल गुजारे जब वो खाली हो हरूफ़ जाजमा और हरूफ़ नासबा से तो फेल मुज़ारी खाली होना ये उसको अमल देता है रफा का यादरे को ना आमिल नासिब है यादरे बा मसलन ना लम दाखिल है लम यादरे हरूफ़ जाजमा दाखिल नहीं है यही इनका दाखिल ना होना इसको मरफू करता है लिहाजा आमिल की दो किस्में थी यहाँ पर भी यही है कि अगर हम अरफ जर को मुकद्दर मानते हैं तो अरफ जर आमिल नफ़्ज़ी है और अगर आप मुदाफ को कहते हैं मुदाफ आमिल मुदाफिले का तो ये भी आमिल आमिल लफ्जी है लेकिन ये तीसरा नजरिया जो उसका है वो ये है कि बिल इजाफत है खुद इजाफत इस मुदाफिले को जल देती है मजबूर करती है। ये दूसरा शेर था वन वे मेन ओफी ओलाम यहां पर बात यह है कि आप इस मुदाफिले में इस हरफ जर को मुकद्दर माना जाए फरमाते हैं मेन को मुकद्दर माना जाएगा इसकी शरह पहली शर्त इसकी यह है कि जब मुदाफ मुदाफिले का बाद हो एक मुसन्निफ ने इशारे सूदी ने एक शर्त का इजाफा किया है उसने कहा सहा इतला को इसमें ही अले कि मुदाफिले का इतला सही हो उस मुदाफ पर ये इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि ये इसने मुसन्निफ ने इशारे ने इशारे सूती ने इसने सूती की शर्त की है उसने इस शर्त का इजाफा क्यों किया है सहा इतला को इसमें है इसमें एक मीर पलटे की मुदाफिले की तरफ इंशाल्लाह इबारत में वादे करेंगे जब इबारत पढ़ेंगे तर्जुमा करेंगे कि मुदाफिले का इतलाक सही हो मुदाफ पर क्या मुराद है इसके क्यों इसने इस शर्त का इजाफा किया है पहली बात कान मुदाफ बहादुर मुदाफिले कि जब मुदाफ मुदाफिले का बाद हो खातमो फिज्जतिन फिज्जत कहते हैं चांदी को खातम कहते हैं अंगूठी खातमो फिज्जतिन यहां पर मुदाफ मुदाफिले का बाद है यानी चांदी थोड़ी सी चांदी इस्तेमाल होती है अंगूठी तो ये जो मुदाफ खातम मुदाफ है फिज्जत मुदाफिले है ये मुदाफ मुदाफिले का बाद है। अगर मुसन्निफ इसी पर इत्तेफाक करता तो यदो दे दें याद कलमा जैद का बाद है जैद बोल है याद उसका बाद है तो ये हकीकत में कान अलमुदाबाद अलमुदाफिला इसको भी शामिल हो जाता है इसको खारिज करने के लिए मुसन्निफ ने एक और चीज का इजाफा किया सहा इतलाक उस फिगल है कि उस मुदाफिले का इतलाक भी मुदाफर सही हो अब यद जैदिन में याद को जैद नहीं कह सकते खादम को फिजा कह सकते हैं अंगूठी है चांदी की उस चांदी की अंगूठी को चांदी भी कह सकते हैं आप कि ये चांदी है तो इनकार नहीं करेगा ठीक है ये चांदी है लेकिन यद दिन में जैद का हाथ पकड़कर आप ये नहीं कह सकते ये जैद है
खुद यज्ञ को दे रहे। एक मतलब ये है कि हाथ पकड़ के आपको तारुफ करवा रहे हैं, ये जायज है ठीक है, लेकिन फकत हाथ पकते हैं कि ये जायज है ये नहीं कह सकते आप। लिहाजा ये जो दूसरी शर्त लगाई है शारे सूर की नसाला उसमें लय, इस मिसाल को खारिज कर दिया, यद हो गई वाली मिसाल को, कि यहां पर आप फी को मुकद्दर, इस मेन को मुकद्दर नहीं मान सकते। उसके बाद फरमाते हैं कि जब फी यहां पर सलाहियत रखती है, फी कहां पर सलाहियत रखती है कि वहां पर फी को मुकद्दर माने, फी जारा को, ये वहां पर है। फरमाते हैं कि जब मुदाफिल है ज़र्फ वाक़ि हो रहा हो मुदाफ़ा सलातुल लैल, यानी सलातुल फजर, नमाज किस वक्त में वाक़ है, रात के वक्त, जहां पर फी की सलाहियत हो वहां पर फी मुकद्दर मानेंगे, और जहां पर ना मिन की सलाहियत हो ना फी की सलाहियत हो वहां पर फरमाते हैं कि हम नाम को मुकद्दर मानेंगे। यानी यहां पर कलमा जो है ना मिन वहां पर मुकद्दर कर सकते हो आप, यानी मुदा मुदाफिल का बाद ना हो, और मुदाफिल का इतलाक मुदाफ पर सही ना हो, या मुदाफिल लर्फ ना हो मुदाफ के लिए दर्फियत का फायदा न दे रहा हो, तो वहां पर फरमाते हैं नाम को मुकद्दर होना चाहिए। यहां तक देखें इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे। इसके बाद मैं पहले जो है वो इसकी तशरीह पढ़ रहा हूँ, तशरीह का तर्जमा कर रहा हूँ, तो बाद में जो है शेर को करूँगा, पहले तशरीह सुन लें। आदा बाब अली दाफत है, ये दाफत का बाब है। नून अंतनी अल इराबा है हरूफ अल इराबा, वो नून जो अरफ इराब के बाद वाक़ हो रही है, अरफ इराब से मुराद अर्ज़ी है अलब तस्मिया के बाद आती है नून, और वावे जमा के बाद ज़ैदान है अलब तस्मिया के बाद नून है, गुलामान है अलब तस्मिया के बाद नून है, मुस्लिमीन मुस्लिमूना वावे जमा के बाद या जमा के बाद जो नून है, और तनवीनन उस नून को या तनवीन, अब तनवीन की भी दो किस्म है, मनफूजन बे और मुकद्दर। एक तनवीन लफ्जी है गुलाम और ज़ैद, तनवीन लफ्जी मौजूद है गुलाम पर, या तनवीन मुकद्दर है कलमे दराहिम कलमे मसाजिद उस पर तनवीन नहीं है, लेकिन तनवीन है, तनवीन तकदीरी है यहाँ पर, तो कलमा गैर मुनसरफ हो गया है और गैर मुनसरफ पर तनवीन नहीं आती है, यहाँ पर इसको तनवीन तकदीरी कहेंगे, चाहे वो तनवीन लफ्जी हो चाहे वो तनवीन तकदीरी हो। मिम्मा तुज़ीफ हो जिस कलमा को इजाफत दी गई है ए रिफ, उस कलमा में से नून को और तनवीन को हटा, मैंने उसकी असल इबारत दिया ए रिफ मिम्मा तुज़ीफ हो या मिम्मा तुज़ीफ हो ए रिफ नूनन हो तनवीना, जिसको इजाफत दी गई ए रिफ नूनन, तू वहां पर नून को हज कर, अगर कलमा तस्मी और जमे है जो इराब अरफ इराब के बाद वाक़ हो रही है, ओ तनवीन या कलमा पर तनवीन है तो इजाफत के वक्त उस तनवीन को कर। तर्जमा फिर कर रहा हूँ, नून अंतली अल इराबा ए हर पल इराब, वो नून जो अरफ इराब के बाद वाक है, और तनवीन बे और मुकद्दरा वो तनवीन जो तनवीन लफ्जी है, या तनवीन तनवीन तकदीरी है मिम्मा तुज़ीफ़ को जिस कलमा को इजाफत दी गई है उस कलमा में उस नून को या उस तनवीन को ए देख को। अब मुसन्निफ यहाँ पर वजह बयान कर रहा है, लेन इजाफत तू दिन इत्तिसाल, तो ये इजाफत जो है इधर इत्तिसाल का, व तनवीन व खलफहु और तनवीन और जो उसका कायम मुकाम है व नून यूदनान बिल इंफिसाल, ये दोनों इज़न देते हैं इंफिसाल का, और अर्ज़ की है इत्तिसाल और इंफिसाल आपस में मुतनाफी हैं, व मुतनाफियान ला यश्तमिया, दो मुतनाफी आपस में जा नहीं हो सकते हैं, बस जब कलमा मुनफसिल है अगर उसको आपने इत्तिसाल देना है तो वो चीज़ जो इंफिसाल का फ़ायदा दे रही है उसको हस करना पड़ेगा, ला वाला तनवीन इंफिसाल का फायदा देती है नून इंफिसाल का फायदा देती है, इन दोनों को हस कतूर सीना या बतूर ये कलमा मुदाफ है सीना की तरफ, यहाँ पर पूरन सीना था इजाफत की वजह से नून को हस करना पड़ेगा। दरा है मका व गुलाम दराहम, ये दो मिसालें क्यों दी मुसन्निफ ने, पहली मिसाल तूर सीना दी है दराहम का दी है इस वजह से कि पहले में तनवीन तनवीन तब्दीली है और दराहम में तनवीन तनवीन तब्दीली है तब्दीली मिसाल गुलाम दिन तस्मिया की मिसाल है असल में गुलाम ने था इजाफत की से नून आ बस सानिया सानी से मुराद क्या है यहाँ पर सानी से मुराद वल मुदाफिल है तो कलमा मुदाफिल है वो जरूर तो इसको जर दे वजूबन वाजिब है इस मुदाफिल को जर देना। अब यहाँ पर इख्तलाफ है इस मुदाफिल को भी जर किया गया है
ये किसकी वजह से, इसका आमिल कौन है, आया आमिल आमिल लफ्जी है, फिर आमिल लफ्जी में इख्तिलाफ है, क्या हर्फ है या खुद मुदाफ है या आमिल मानवी है, अम्र मानवी है और वो इजाफ है। कहते हैं वयूबन वाजिब है इसको जर देना बिल हर्फ अल मुकद्दर इंटरनेशनल हर्फ जर मुकद्दर के साथ के नजदीक व बिल मुदाफे इन दस्तव है और मुदाफ के साथ इसको जर देंगे सिर्फ है व बिल इजाफत और इजाफत के साथ ये अम्र मानवी है इन दस्त। अब यहाँ पर आगे मुसन्निफ ये बयान कर रहा है कहाँ कहाँ पर हम मिन मुकद्दर मानेंगे, कहाँ पर दी को, कहाँ को लाम, कहाँ पर लाम को एन वे मिन मुकद्दर मान, इन कान अल मुदाफ हो बाद अल मुदाफ ले, ये कब हम मिन मुकद्दर मानेंगे जब मुदाफ मुदाफ ले बाद हो, बस दूसरी कर इतलाक हो इसमें ही अले मुदाफ ले का इसम सिद्क करे अलह उस मुदाफ पर बोला जाए, यानी मुदाफ ले बोला जाए मुदाफ पर, जिस तरह हम कहते हैं ना खातम फिजा दिन, खातम मैंने अंगूठी है फिजा मैंने चांदी है, हम कह सकते हैं ये चांदी है, उसी अंगूठी की तरह इशारा करके हम कह सकते हैं हाद ही फिजा तुम ये फिजा है, तो यहां पर उस पर इस मुदाफ ले का बोलना सही है उस मुदाफ पर तदा खाला भी शर का ये थे इस तरह सर्राज इत्तेबा करते हुए इब्ने सर्राज की मुखरजन बिल कैद अल-अखीर। अब जब मुसन्निफ ने हकीकत में फारिज किया इस आखिरी कैद के साथ यद उदैन क्योंकि यहां पर यद उदैन याद जैद का बाद है मुदा मुदाफिला का बाद है लेकिन उस याद को जैद नहीं कह सकते आप मुदाफिला है मुदाफर नहीं बोला जा सकता मुमस्सिलान और मगर फी के मुकद्दर मानने की यहाँ पर मैंने अर्ज किया है कि यदि जब मुदाफिल है मुदाफ के लिए ज़र्फ़ वाक़ हो रहा हो तो वहाँ पर फी के मुकद्दर मान जिस तरह ना हो बल मकरुल्लैल मकरुन फिल इन दो मौरत के अलावा लाम को मुकद्दर मान लाम को खुदा पकड़ा गया है नाविया नियत करते हुए लहा इस्लाम के लिए लिमा सिवा दैनिक उन दो मौरत के अलावा कौन दो मौरत वहां जहां पर मिन मुकद्दर मानते हैं मिन भी मुकद्दर ना माना जा सकता हो वहां जहां पर फी को मुकद्दर मानते हैं फी को भी मुकद्दर ना माना जा सकता हो तो वहां पर तू लाम को मुकद्दर मान यानी लाम की वजह से वहां उस कलमे को जज किया गया है ये लाम माना के लिहाज से वहां पर गुलाम उदैदिन गुलाम ले दिन यहां पर लाख वाक्सु संबला बिसारी इनका नखरा वाहे ही तारीफा बिल्लत तला इनका नवा देखें यहां पर मुसन्निफ ये कहना चाहता है कि कभी मुदाफत जो है वो तफसीस का फायदा देती है कभी इजाफत तारीफ का फायदा देती है और ये भी आप अलहमदुल्ला पहले पढ़ चुके हैं पहली किताबों में कहाँ कहाँ इजाफत तारीफ का फायदा देती है कहाँ कहाँ इजाफत तफसीस का फायदा देती है अलबत्ता ये तफसीस का फायदा और तारीफ का फायदा मैं अर्ज करता चलूँ कि ये फकत इजाफत मानवी में है ना इजाफत लफ्जी का अब ये इजाफत मानवी क्या इजाफत लफ्जी क्या ये कल वाले दर्ज हम इसकी वजाहत भी करेंगे तफसील के साथ बताएंगे कि इजाफत लफ्जी कौन सी इजाफत है इजाफत मानवी कौन सी इजाफत है यहाँ पर यह फकत अर्ज करना चाहता हूँ कि इजाफत मानवी में जब मुदाफिल है मुदाफिल की दो सूरतें हैं इजाफत मानवी मुदाफिल या हमारा नखरा है या मुदाफिला हमारा वालदा है अगर हमारा मुदाफिला इजाफत मानवी में नखरा हो तो वहाँ पर तख़सीस का फायदा तख़सीस का मुराद ये है कि खास करती है ये इजाफत मुदाफ को ना मारफा करती है मारफा क्या काम जारी नहीं होगी इसका मुदाफ का अगर मुदाफिला हमारा नखरा मुदाफिला तो पहले ही नखरा है तो मुदाफ भी नखरा रहेगा मारफा नहीं होगा लेकिन तख़सीस हासिल हो जाएगी गुलाम रजुले गुलाम मुदाफे रजुल की तरह मर्द का गुलाम तफसीस ही हासिल हुई है औरत का गुलाम नहीं मर्द का गुलाम गुलाम रजुले मैं कहता हूँ जा नहीं गुलाम रजुले मेरे पास मर्द का गुलाम है उसका मतलब ये कि औरत का गुलाम नहीं आया मर्द का गुलाम है तो यहाँ पर तफसीस का फायदा हासिल हो रहा है
लेकिन यहाँ पर मुदाफ मारफा नहीं होगा अगर मुदाफिल नकर है, लेकिन अगर हमारा मुदाफिल मारफा हो तो ये इजाफत है वो तारीफ का फायदा देती है, यानी मुदाफ को भी मारफा करती है। यानी गुलाम होते ही गुलाम नकरा था पहले, जब जहर की तरफ हमने मुदाफ किया है तो ये इजाफत यहाँ पर तारीफ करती है। यहाँ पर यह कहना चाहते हैं वाह यह तारीफा बिंदर तला इंसान मारफा पीछे वाखसुस अव्वला बिसानी पहले को सानी के साथ पास कर इनका नकरा, अगर इनका ना सानी नकरा दूसरा नकरा दूसरा गुलाम रजुल तारीफा तू उस पहले को तारीफ अता कर पहले को मुदा बिल्लज़ी तला जिसके बाद वो वाकई हो रहा है इनका मारफा अगर वो मारफा यानी सानी अगर मारफा है तो हकीकत में उस मुदाफ को तू तारीफ अता कर। जिसका गुलाम हो दई दिन गुलाम हो दई दिन यहाँ पर तारीफ का फायदा है गुलाम भी मारफा हो रहे हो। थोड़ा शेर देख ले शेर मैं फिर शुरू से कर नून अन तली अली लाबा और तनवीन अन नून का कुछ को ये देख तू उस नून को हंस कर और उस तनवीन को हंस कर जो ये हरफ इराब के बाद वाक्य हो रही है नून उसको और तनवीन को तू हंस कर वसानी उभरो और दूसरे को कर दे वन वे मेन तू या मेन तो मुकद्दर मान वहाँ पर अर्ज किया दो शर्तें हैं जब मुदाफिला किले के बाद हो और मुदाफिला का इतलाक वो ना उस मुदाफ पर सुनी हो इधा लम या तो इतलाक जब सलाहियत औ फी या तो फी के मुकद्दर मान इधा लम या तो इतलाक जब सलाहियत ना हो मगर वहाँ पर फी की तकदीर की सलाहियत हो यानी तरबियत को माना हासिल हो रहा हो मुदाफ मुदाफिला मुदाफिला मुदाफिली तरफ हो वल्लाम खुदा और लाम को अक्स कर लिमा सिवा दैने के दोनों के अलावा मिन के अलावा तो पहले को पास कर सानी के साथ अर्ज किया है जब सानी नकरा हो वाक तारीफा और तू उस मुदा को तारीफ अदा कर तला जिसके वो बाद वाक हो रहा है तू उसको सानी को तारीफ अदा कर मिलता दी उसके साथ तला जो इसके बाद आ रहा है यानी जो मुदाफ आ रहा है उसके साथ तू इसको तारीफ अदा कर यानी हकीकत में अगर वो मुदाफिल मारफा है तो यहाँ पर मुदाफ कस्ब तारीफ करता है ये मुदाफ भी मारफा हो जाएगा इससे कस्ब तारीफ करता है जो इसके बाद वाक्य हो रहा है तला जो इसके बाद वाक्य हो रहा है किसके बाद जो इस अव्वल के बाद वाक्य हो रहा है अगर वो भी मारफा है वो सानी मारफा है तो सानी के साथ तू इस मुदाफ को तारीफ अदा कर वही शाबिर मुदाफ जब फालो इंशाल्लाह यहाँ से कल शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।